छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाओ। कोरिया जिले से भरतपुर सोनहत विधानसभा से विधायक व सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो 1994 के बाद आज मनेन्द्रगढ़ के पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की दर्शन कर क्षेत्र में सुख समृद्धि प्रगति उन्नति खुशहाली की कामना की। पहाड़ की चोटी पर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर से मनेन्द्रगढ़ शहर का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। सिद्ध बाबा मंदिर मनेन्द्रगढ़ के निकट ऊंचाई पर है, जहां पहुंचने के लिए पगडंडी व पहाड़ी को रास्ते से चलकर जाना होता है। पौराणिक महत्व होने के चलते यहां मकर संक्रांति पर विशेष रूप से भव्य मेला का आयोजन होता है। यह सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित मंदिर में आसपास गांव सहित अन्यत्र जगहों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्राचीन काल से लेकर अब तक एक पवित्र धाम के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे में कोरिया जिले के अंतिम छोर में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सीमा से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश निवासियों के लिए भी आस्था का केंद्र है। सिद्ध बाबा प्राचीन मंदिर में टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते से पैदल चलकर ऊंचाई पर पहुंचे विधायक गुलाब कमरो ने मंदिर की व्यवस्था के लिए मौके पर मौजूद सभी विभाग के अधिकारियों को मंदिर परिसर में दुर्गम पहाड़ी में सबसे पहले सीढ़ी निर्माण के आदेश दिए, ताकि विशेष अवसर के अलावा हर समय श्रद्धालुओं का पहुंचना आसान हो सके। साथ में मुख्य मार्ग से पहाड़ी के नीचे तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण करने के लिए भी कहा। मंदिर परिसर में पानी के लिए हैंडपंप, बिजली, मंदिर परिसर में सेट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण सहित मंदिर के जीर्णोद्धार कराने की बात कही। आप इस दृश्य में साफ तौर पर देख सकते हैं प्राचीन निर्माणधीन मंदिर की छत की ईंटें धसक गई है, जिसका मरम्मत कराना अनिवार्य है, अन्यथा कभी भी दुर्घटना घट सकती है। विधायक गुलाब कमरो ने कहा, भूपेश सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अनंत तक जीवित रखा जा सके। उसी तारतम्य में कोरिया जिले के ऐसे संभावित सभी पर्यटक स्थलों को अवलोकन किया गया और इन्हें विकसित किया जाएगा। सिद्ध बाबा मंदिर में सभी संसाधन परिपूर्ण रूप से किया जाएगा, जिससे एक नया विशेष पहचान मिल सके। साथ में कहा कि भोले बाबा के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, सरकार में होने के नाते दायित्व है कि खंडहर में तब्दील होते जिले की सांस्कृतिक धरोहर प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। मैं आज भगवान भोलेनाथ के शरणों में हूँ। मैं छोटा पढ़ता था 1994 में, तब आया था यहाँ पर। आज इसके बाद फिर से इनकी आस्था है, उनका प्रेम है, उनका स्नेह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। निश्चित रूप से आज सरकार में हूँ तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जितने भी संसाधन रख रखाव, चाहे वो मंदिर का जीर्णोद्धार की बात करें तो, सीढ़ी सड़क की बात करें तो, और छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से पर्यटन को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से पर्यटन विभाग के द्वारा सारे स्थलों का जो अवलोकन कर लिया गया है, सर्वे कर लिया गया है, सर्वे काम पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने पर्यटन में भी बढ़ाने के लिए पैसे दे रही है। क्या क्या यहाँ निर्माण का उत्थान के लिए किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से पहले तो मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए भी मैंने अभी आते आते ही वहां पर आपने देखा होगा मंदिर के जितने साइड में जो है शेड गिरने की स्थिति में, उसके लिए मैंने अभी तत्काल 2 लाख रुपए की स्वीकृति की है। इसके अलावा जीर्णोद्धार 4 लाख का एस्टीमेट शासन को जा चुका है। इसके अलावा डीएमएफ से 25 लाख के लिए सीसी रोड और सड़क के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है, तो बहुत जल्दी वो भी स्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा जो कैंपा मस से जो WBM रोड सड़क के लिए भी प्रस्ताव हमने छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया, तो निश्चित रूप से 1 साल में काफी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। पौराणिक के अनुसार इस सिद्ध बाबा मंदिर की क्या प्रसिद्धि रही है? निश्चित रूप से यहाँ पर आज हम लोग तो जब छोटे थे तब से देख रहे हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान भोले के प्रति आस्था है। आज भी लोग यहाँ पर मकर संक्रांति में यहाँ पर मेला लगता है, पूरे इस क्षेत्र का तांता लगा रहता है। निश्चित रूप से यहाँ पर आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको और आगे बढ़ाने का काम
करेंगे ताकि यहाँ पर सर सुविधा युक्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से आवागमन की सुविधा हो जाएगा तो पर्यटक ज्यादा संख्या में यहाँ लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ का अपना गेम शो कौन बनी लखपति, प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टे होम स्टे से कीप प्लेइंग। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 777-180-7826। जल्द आ रहा है